अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अबाउट सीपीडी। सीपीडी स्टैंड्स फॉर सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। मीन हमें पता है कि बेबी की डिलीवरी के लिए बेबी का हेड पेल्विस से गुजरना चाहिए। गुजरेगा कब? जब इंगेज होगा। लेकिन अगर फीटल हेड बड़ा हो या मेटरनल पेल्विस छोटी हो या फीटल एटीट्यूड ठीक ना हो या फीटल पोजीशन ठीक ना हो तो क्या होगा? किसी भी वजह से अगर इंट्री में मसला है इनटू द पेल्विस तो देर विल बी डिस्प्रोपोर्शन। तो क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, देर विल बी नो डिलीवरी। और अगर माइनर सीपीडी हो, मुश्किल से हेड इंटर हो भी जाए तो प्रोलॉन्ग लेबर होगा और मुश्किल से डिलीवरी होगी। सो इन सीपीडी देर इज सिफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट इज़ एनाटॉमिकल डिसप्रोपोर्शन बिटवीन फीटल हेड एंड मेटरनल पेल्विस। इसकी वजह क्या हो सकता है कि बेबी का बड़ा हेड हो सकता है या मदर का पेल्विस छोटा हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों ही वजह हो। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिलेटिव सीपीडी इज़ मोर कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ है? देखिए, अगर प्राइमरी ड्राइवर है फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट का फर्स्ट टाइम बेबी है, तो बेबी बहुत गुड साइज़ है, मदर की हाइट नॉर्मल है, तो उस टाइम हमने उसका सी सेक्शन कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मदर की हाइट उतनी है लेकिन बेबी का जो साइज़ है वो गुड साइज़ नहीं है, वो एवरेज है। हम समझते हैं कि अब ये नॉर्मल डिलीवर कर सकती है, वी बैक हो सकता है, तो इस बार हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। तो फर्स्ट टाइम हम उससे रीज़न पूछते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन क्यों हुआ था। वो कहती थी हड्डी छोटी है, हालांकि कॉन्सेप्ट क्या था कि बच्चा बड़ा था। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी में सी सेक्शन की वजह सीपीडी है तो आप उसको दोबारा ट्रायल ऑफ लेबर दे सकते हैं, अगर पहली वजह बच्चे का बड़े साइज का होना है। हाँ, अगर मदर की पेल्विस में प्रॉब्लम था, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस थी, फ्रैक्चर्ड पेल्विस थी, अगर हम रीजंस देखेंगे तो फिर तो आप नेक्स्ट टाइम भी सी सेक्शन ही करेंगे। लेकिन अगर वजह रिलेटिव सीपीडी है तो ज़रूरी नहीं कि हम नेक्स्ट टाइम सी सेक्शन ही करें, ठीक है। सो पहली बात तो आपने याद रखना है कि कौन सा सीपीडी कॉमन होता है, रिलेटिव। दूसरी बात आपने बात याद रखनी है कि मेल पोजीशन सबसे बड़ी वजह होती है सीपीडी की। अगर आप आईएमएम और एमसीपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सिनेरियो आपके लिए मोर देन एनफ है। आप इसको समझ लें तो आप एग्ज़ाम का एमसीक्यू हल कर लेंगे। कोई भी अगर वो सिनेरियो देते हैं कि एक पेशेंट आपके पास एक्टिव लेबर में है, लेबर बिल्कुल ठीक जा रहा है, पेशेंट की हाइट छोटी है, यानी कोई ना कोई तो क्लू देंगे जो सीपीडी को शो कर सकता है। हाइट फॉर एग्जांपल अगर 1.6 मीटर से कम हो, यानी कि 5 फीट 2 इंच से कम हो, वो 5 फीट इंच दे देते हैं, तो 5 फीट 2 इंच से जब हाइट कम होती है तो रिस्क फैक्टर होता है फॉर सीपीडी। अब क्या लिखा है कि अगर कोई भी टाइम देते हैं कि उस वक्त सर्विक्स 7 सेंटीमीटर डायलेटेड थी और 2 घंटे गुजरने के बाद अभी भी हमने जब पीए किया तो हेड इंगेज नहीं है, जबकि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस बहुत अच्छी आ रही हैं। इसका मतलब है लेबर में मसला जो है वो कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से नहीं है, बेबी गुड साइज है, ये भी एक की पॉइंट वो बीच में दे सकते हैं। और ऑन पीवी सर्विक्स इज 7 सेंटीमीटर, यानी 6 AM पर भी वो 7 सेंटीमीटर था, 9 AM पर भी सर्विक्स 7 सेंटीमीटर है। हमने जब एबनॉर्मल लेबर पढ़ा तो हमने बात की थी कि अगर 7 सेंटीमीटर के बाद लेबर प्रोग्रेस ना करे तो मोस्ट कॉमन वजह क्या होती है, सीपीडी, ठीक है। अगर 7 सेंटीमीटर के बाद सर्वेक्स डायलेट नहीं करेगी तो जितनी भी कॉजेज दी होंगी आपने, उनमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज सीपीडी को चूज़ करना है। तो इस ये स्नैरियो ऐसे ही सीपीएसपी में आता है, आगे पीछे घुमा फिरा के उन्होंने जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं करना। अब सीपीडी में क्या होता है कि हेड इज़ नॉट अप्लाई टू सर्वेक्स, एक ये की पॉइंट होता है। देर इज सीवियर फॉर्मेशन ऑफ कैपिट एंड मोल्डिंग, जाहिर सी बात है सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हैं, यूट्रस पुश कर रहा है, बेबी का हेड आगे नहीं आ रहा, तो कैपिट होगा, मोल्डिंग होगी। तो अब सीपीडी ने क्या कर दिया है, सीपीडी ने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी है, आगे मूवमेंट नहीं हो रही तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया है। तो इसकी डायग्नोसिस में वो सीपीडी भी लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सिनेरियो ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बिकॉज कैपिट और मोल्डिंग आर द साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, सो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन लेबर ड्यू टू द सीपीडी, ठीक है। इसीलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। इसके अलावा इसको अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंट वे में लिखें कि पेशेंट एक्टिव लेबर में है, पेशेंट शॉर्ट स्टेचर है, अक्सर वो शॉर्ट स्टेचर का वर्ड डाल देते हैं,
7 सेंटीमीटर है 6 AM पर, 9 AM पर पेशेंट का हेड अभी भी एंगेज नहीं हुआ. जाहिर सी बात है सीपीडी में एंगेजमेंट नहीं होती मोस्टली, ठीक है. माइनर सीपीडी में हो सकती है, वरना यूजुअल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एंगेजमेंट का ना होना है. वो आपके लेवल पर इतना ही लिखेंगे, बिकॉज फिर वो बहुत एडवांस लेवल आ जाता है कि उसमें वो और माइनर चीज़ें पूछें. तो आपके लेवल पर कि हेड की एंगेजमेंट यूजली नहीं होती. जाहिर सी बात है सीपीडी में यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन का तो प्रॉब्लम नहीं होगा. यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन तो स्नैरियो में ठीक होंगी, बेबी का गुड साइज वो कह सकते हैं. अब सर्वेक्स जो है अगेन 7 सेंटीमीटर ही है और ऑक्सीपुटिस पोस्टीरियर. हमने कहा था कि मोस्ट कॉमन वजह सीपीडी की मैल पोजीशन होती है. तो अगर ऑक्सीपुट पोस्टीरियर हो तो इट इज़ अ मैल पोजीशन, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पोजीशन. तो हमें एक और क्लू मिल गया. तो जाहिर सी बात है उन्होंने मेजर क्लू ही डालना है बीच में, ठीक है. हेड इज नॉट अप्लाइड टू द सर्वेक्स, देर इज 2+ कैपेट 2+ मोल्डिंग. तो हम कहेंगे कि दिस इज द सीपीडी. अब एक और आपने बस यूं बात याद रखनी है कि किसी भी वजह से हेड पेल्विस में एंगेज नहीं हो रहा. यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस अच्छी हैं, वो से पुश कर रही हैं. जब एंगेज हो ही नहीं रहा, हेड इज़ नॉट वेल अप्लाइड टू सर्विक्स, मोस्टली तब होता है जब मेल पोजीशन होती है. अब मेल पोजीशन है, हेड अप्लाइड ही नहीं है सर्विक्स पे, तो डायलेटेशन प्रॉपर नहीं होगी. इंगेजमेंट नहीं है तो क्या होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस अच्छी हैं तो कैपिट होगा, मोल्डिंग होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. तो ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, सीपीडी की वजह से. क्या कॉजेज़ होती हैं? मटर्नल कॉज हो सकती है, फीटल कॉज हो सकती है. हम कैसे असेसमेंट करते हैं? देखिए हमने हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट से, क्लिनिकल हिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, इसके अलावा हम एक्सरे कर सकते हैं, हम MRI कर सकते हैं. तो ये स्टेशन क्योंकि ऑस्की में भी आ जाता है, तो इसीलिए हम बस मोटी मोटी बात करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कि जब भी पेशेंट को हमने असेस करना होता है या वार्ड में करे होते हैं या OPD में, तो आप उसकी हिस्ट्री फ़ौरन से लें. आप पूछें कि प्राइमरी ग्रेविडा है कि मल्टी ग्रेविडा है. अगर वो मल्टी है तो पहले बार क्या हुआ था, नॉर्मल हुआ था कि सी सेक्शन. अगर वो कहती है नॉर्मल डिलीवरी है तो इस बार CPD हो सकता है, क्योंकि CPD इज़ अ रिलेटिव, हो सकता है इस बार बच्चा गुड साइज का हो, ठीक है. तो ये नहीं कि फर्स्ट टाइम उसने नॉर्मल डिलीवर किया तो इस बार CPD हो ही नहीं सकता. हो सकता है इस बार मेल पोजीशन हो जाए, हो सकता है कि किसी भी वजह से मेल पोजीशन एटीट्यूड का मसला हो तो CPD हो सकता है. एक तो आपने हिस्ट्री लेनी है, या वो कहते मेरे पहला सी सेक्शन हुआ था ड्यू टू द CPD, तो हमारे जेहन में ये होगा कि इस बार भी हो सकता है. तो हम बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि वजह क्या है. अगर उसकी वजह मैटरनल पेल्विस का कॉन्ट्रैक्टेड होना है या फ्रैक्चर होना है, तो जाहिर सी बात है इस बार तो हम उसको ट्रायल नहीं देंगे. अब मेडिकल कॉजेज क्या हैं? अगर फीमेल को रिकेट्स हो, TB हो, TB पेल्विस की, काइफोसिस, स्कोलियोसिस. अब देखें अगर बैक का एक्सेस नॉर्मल नहीं है, कमर टेढ़ी है, पेल्विस भी क्या हो जाएगा, टिल्ट. पेल्विस टिल्ट होगा तो फीटल हेड तो प्रॉपर आएगा ही नहीं बीच में, टिल्टेड पेल्विस में राउंड चीज़ तो आएगी ही नहीं, वो वहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगी, इंटर ही नहीं होगी. तो इसलिए काइफोसिस और स्कोलियोसिस को भी हमने देखना होता है. हम अपने नोट्स में कभी ये चीज़ नहीं डालते. तो आइंदा से आपने जब भी हिस्ट्री लेनी है साइड पर लिखना है, ख़ास तौर पर प्राइमरी ग्रेविडा में, कि इसको रिकेट्स नहीं है, TB नहीं है, काइफोसिस नहीं है, स्कोलियोसिस नहीं है. एग्जामिन करके देखना है, हिस्ट्री भी पूछना है. और आपने ये जिन में रखना है, आप ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि इसको CPD का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मल ट्रायल्स लिए देख रहे हैं. सर्जिकल हिस्ट्री देखनी है कि स्पाइन की सर्जरी तो नहीं हुई, पेल्विस का फ्रैक्चर तो नहीं हुआ. ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री अगेन कि पहले ऑपरेशन की वजह क्या थी. अब फ़ौरन से एग्जामिनेशन कैसे करनी है? हाइट एंड वेट पेशेंट का आपने फ़ौरन से देख लिया. हाइट अगर छोटी है तो आप सोच सकते हैं कि CPD हो सकता है, ख़ासतौर पर 5 फीट 2 इंच से. अगर वेट बहुत ज़्यादा है अगेन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. गेट चेक करिए चलाकर. अगर एक पेशेंट चल रहा हो ना और उसके दोनों टांगों में 2 इंच से ज़्यादा फ़र्क हो, तो उससे क्या होगा कि जो एक्सिस है ना वो डेविएट हो जाएगा, यानी जिसका जो पेल्विस है वो टिल्टेड होगा, और टिल्टेड पेल्विस से बेबी आउट नहीं होता. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. स्पाइन कैसे चेक करेंगे? आप कमर पे हाथ मारेंगे और चेक करेंगे कि स्कोलियोसिस और काइफोसिस तो नहीं है. आप लेंथ चेक कर सकते हैं लेग्स की, पेशेंट को रिटाकर. अगर 2 इंचेस से कम लेंथ का फ़र्क है तो ठीक है, अगर 2 इंचेस या उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है पेल्विस टिल्टेड होगा. फिर एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करनी है. अगर एब्डोमेन पेंडुलस हो,
तो भी क्या होगा कि इसका मतलब है कि इंगेजमेंट नहीं है, लाइव चेक करना है, प्रेजेंटेशन चेक करनी है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, लॉन्गिट्यूडनल लाइव हो तो ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब कोई भी पेशेंट आपके पास एक की पॉइंट होता है कि वो 37 के बाद आती है और हेड इंगेज है, अगर उसका हेड इंगेज है एट 37 वीक्स एंड आफ्टर, मोस्टली वो 38 वीक्स पे हम लेते हैं, तो हम उसको लेबल कर लेंगे कि देर इज़ नो सीपीडी। लेकिन अगर हेड इंगेज नहीं है एट 38 वीक्स, हम कहते हैं हेड बड़ा हाई है, 39 वीक्स पे है और हेड हाई है, तो वो हम सस्पेक्ट करेंगे सीपीडी। वी विल नॉट लेबल इट एज सीपीडी, वी विल सस्पेक्ट सीपीडी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, 39 वीक्स पे हेड हाई है, ये सिजेरियन की रीज़न कर दी कि सीपीडी है। सीपीडी का तो पता चलता है ट्रायल ऑफ लेबर पे, ऐसे आप नहीं बताते, ठीक है। सो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे या एमसीक्यू आ जाए कि 38 वीक्स पे पेशेंट है, हेड उसका एंगेज है, तो आपने रूल आउट कर देना होता है सीपीडी। फर्दर असेसमेंट टू रूल आउट सीपीडी इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हेड एंगेज नहीं है एट 38 वीक्स एंड ऑनवर्ड, देन यू डोंट हैव टू लेबल द सीपीडी, यू हैव टू सस्पेक्ट सीपीडी, फर्दर असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। हम असेसमेंट कैसे करते हैं, क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं, क्लिनिकल टेस्ट करते हैं। क्लिनिकल पेल्विमेट्री हम ऑस्की के लिए करेंगे, एमसीक्यूज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। क्लिनिकल टेस्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो आप एग्जाम के लिए नहीं है, ये एडवांस टेस्ट है। जस्ट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले हमने हिस्ट्री ली, क्लिनिकल पेल्विमेट्री की, क्लिनिकल टेस्ट हमने किए। अभी जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये बीपीडी जो हम निकालते हैं या हेड सर्कमफेरेंस, ये हम फीटल डायमेंशन चेक करे होते हैं, फीटल हेड डायमीटर चेक करे होते हैं, ना कि मेटरनल पेल्विस। तो अल्ट्रासाउंड का यूजेज क्या है कि हम बीपीडी देखते हैं कि बीपीडी उस जेस्टेशनल एज से ज़्यादा तो नहीं है। अगर जितना बीपीडी होना चाहिए एक जेस्टेशनल एज में उतना बीपीडी है या उससे कम है तो ठीक है, लेकिन अगर बीपीडी ज़्यादा आ रहा है जिस तरह माइक्रोसोमिक चाइल्ड में होता है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये हेड ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और अल्ट्रासाउंड हम क्यों करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि मैल पोजीशन तो नहीं है, मैल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, हो सकता है फेस प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। तो क्या होगा कि इंगेजमेंट में ही मसला होगा, और अगर मेंटो इंटीरियर होगा तो प्रोलॉन्ग लेबर होगा। सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने देखना है कि वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है या नहीं है, एटीट्यूड क्या है, पोजीशन क्या है, डायमीटर क्या है, तो वो तमाम चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पर चेक करेंगे। अल्ट्रासाउंड पर हम पेल्विस को चेक नहीं कर सकते, उसके डायमेंशंस को चेक नहीं कर सकते। फिर अगर हमने ये चेक करना हो कि पेल्विस कैसी है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम एक्सरे करेंगे। कौन सा, लेटरल एक्सरे पेल्विस, इसको हम कहते हैं रेडियोलॉजिकल पेल्विमीट्री। ये हम नहीं करते मोस्टली, क्योंकि रिस्क ऑफ रेडिएशन टू द फीटस होता है, ये भी एमसीक्यू आता है। और आपको बताना चाहिए कि अगर हम सीबीडी में बेबी के हेड की डायमेंशंस चेक करना चाहते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर हम पेल्विस को चेक करना चाहते हैं तो लेटरल एक्सरे पेल्विस करते हैं। हम क्यों नहीं करते, वजह मैंने बता दी। सबसे जो बेस्ट होता है दोनों के लिए वो एमआरआई होता है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए हम नहीं करते। इतना तो सिजेरियन का खर्चा हो जाता है जितना एमआरआई पे खर्चा कर लें, तो पेशेंट कभी भी इसको नहीं कहेंगे करने के लिए। अब जितना मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इतना समझ आ गया है तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर योर एग्ज़ाम। लेकिन ऑफकोर्स इंसानी दिमाग है, जहन में ये चीज़ आती है कि क्या सीपीडी होगा तो हमेशा ही ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्या कभी डिलीवरी नहीं हो सकती। तो एक दो स्लाइड्स आई वांट टू शेयर कि देखिए, डिग्री ऑफ डिस्प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि फेट क्या होगा। अगर माइनर सीपीडी है तो वेजिनल डिलीवरी हो सकती है, कैसे कि हेड इंगेज होगा मोल्डिंग के जरिए से, यानी कि बोन्स पर ओवरलैप करेंगी और वेजिनल डिलीवरी हो सकती है। अगर मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन है तो वेजिनल डिलीवरी हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर मार्क डिस्प्रोपोर्शन है तो वेजिनल डिलीवरी कभी भी नहीं होगी। आपसे कभी भी वो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सीपीडी का जहन में हमारा हमेशा ही आता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कभी डिलीवरी नहीं हो सकती। लेकिन डिलीवरी हो सकती है अगर माइनर हो, ज़रूरी नहीं कि माइनर में भी इजीली डिलीवरी हो जाए, हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर हो और फिर हम सी सेक्शन ही कर दें,
ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हमें सीसेशन करना पड़ सकता है, बट देर इज पॉसिबिलिटी. इस तरह से मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है कि वेजिटल डिलीवरी हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि मार्ग में तो आपने सोचना भी नहीं है. ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं. ये कॉम्प्लिकेशंस आप सिर्फ इतना याद रखें कि सीपीडी अगर है माइनर, मॉडरेट या सीवियर, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. उसकी कॉम्प्लिकेशन जो एमसीक्यू में आता है वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. जाहिर सी बात है, कैपिट हो रहा है, मोल्डिंग हो रहा है. अगर माइनर डिग्री है, मॉडरेट है या सीवियर है और कैपिट प्लस टू प्लस थ्री या मोल्डिंग प्लस टू प्लस थ्री है, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. और अगर आप फिर भी ट्रायल ऑफ लेबर देंगे तो क्या हो जाएगा, यूट्रस का रप्चर हो जाएगा. तो ये आपने नहीं भूलना. इसके अलावा पीपीएच का चांस होता है, ये नहीं भूलना. इसके अलावा जो है बेबी में एस्फिक्सिया हो सकता है. ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. फ्रैक्चर ऑफ स्कल हो सकता है. तो ये एमसीक्यू में चीज़ें आती हैं, इतना कर लें, दैट इज़ मोर देन एनफ. थैंक्स.